हम सभी अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो किसी न किसी तरह से हमसे बेहतर होते हैं, चाहे दिखने में, दिमाग से या फिर पर्सनालिटी में। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लोग हमसे ज़्यादा पसंद करते हों, वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद हों, या फिर उनके पास हमसे अच्छी जॉब पोजीशन हो सकती है, या फिर वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों और उनके पास हमसे ज़्यादा पैसे हों, या कुछ नहीं तो वो हमसे ज़्यादा खुश नज़र आते हों। तो क्या इन सारी बातों में हम अपनी बराबरी दूसरों से कर सकते हैं? हालांकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने से नहीं रोक सकते। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बहुत ही आम बात है। उनसे जेलस फील करना भी एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम अपनी एबिलिटीज को साइड में रखकर सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो में हम जानेंगे कि हम खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें और कुछ पॉइंट्स जो आपको अपनी रिस्पेक्ट अर्न करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज खुद को जाने। आप जितना ज़्यादा खुद को समझेंगे, आप असल में खुद को उतना ही ज़्यादा सबसे अलग मानेंगे और खुद को अप्रिशिएट भी करेंगे और उतना ही ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अपने रूल्स, पर्सनालिटी और टैलेंट को फाइंड आउट करने और खुद को जानने की इस एक्साइटिंग जर्नी में कुछ टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी था। सो अब ऐसी चीज़ों, लोगों, फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट ज़रूर बना लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ये आपको ये जानने में हेल्प करते हैं कि आपको लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है और एक्चुअली आपको क्या अच्छा लगता है। इसके लिए कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे आपको अपनी पसंद नापसंद को समझने का मौका मिलेगा और आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, खुद को माफ़ करें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बीते हुए समय में किए हुए गलतियों के लिए माफ़ करना होगा, जिन गलतियों को लेकर आप शर्मिंदा होते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले तो आपको ज़रूरत है इस बात को मानने की कि अपने पास्ट में आपने जो भी किया था वो गलत था। फिर खुद को आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस तरह अगर आप अपने से किए हुए किसी गलत फैसले के लिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं या खुद को कोई हर्ट करने वाली बातें कह रहे हैं, तो फिर आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। और ये बात भी जाननी चाहिए कि आप एक इंसान हैं और लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां करना और उनसे सीखना ये भी एक तरीका होता है खुद को इम्प्रूव करने का। इसलिए इसे एक्सेप्ट करें और खुद को भी माफ़ करें, तभी आप खुद की इज्जत कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, खुद को एक्सेप्ट करें। अपने स्किन कलर या फिर अपनी पर्सनालिटी फीचर्स को लेकर कंफर्टेबल रहें। आप जैसे भी हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को एकदम परफेक्ट समझने लगें, लेकिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप अपने बारे में जिन भी चीज़ों को पसंद करते हैं उन्हें लेकर खुश रहना और इस बात को लेकर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि आप परफेक्ट नहीं हैं, खासकर उन चीज़ों के लिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जैसे खुद से ऐसी बातें बिल्कुल ना करें कि अगर मेरा वेट 10 किलो कम हो जाएगा तभी मैं खुद से सच्चा प्यार कर पाऊंगी, बल्कि आप अभी जैसे हैं उसी से प्यार कीजिए, क्योंकि आप अपनी केयर और अटेंशन डिजर्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप से, अपने लुक से और आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर खुश नहीं रहेंगे, तो ऐसे में आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हर रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अच्छा पोस्चर, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, इन सबको मेंटेन करते हुए स्टार्ट करें और हर घंटे अपने बारे में कुछ अच्छी बातें ज़रूर सोचें। देखें, अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो थैंक यू कहकर उसकी कही हुई बात को ज़रूर एक्सेप्ट करें। पॉइंट नंबर 5, क्रिटिसिज्म को संभालना सीखिए। गाइज, अगर आप सच में अपनी रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो पहले आप जैसे भी हैं
उसी के साथ ऑनेस्ट बने रहना सीखना होगा। अगर कोई आपको हेल्पफुल और ज़रूरी फीडबैक देता है तो उसकी बताई हुई बातों के बारे में सोचें और उनके फीडबैक को खुद में सुधार लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प कर सकती है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई सेल्फिश हो रहा है या आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उनके उस फीडबैक को लाइटली लेकर उसे इग्नोर कर देना ही ठीक होता है। और कभी कभी किसी की कही कोई बात हमें बहुत हर्ट कर देती है, लेकिन साथ ही हार्श तरीके से कही हुई सही बात और अच्छे तरीके से कही गई गलत बातों के बीच में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह के क्रिटिसाइज को बहुत ही ऑनेस्टली और केयरफुली समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6, दूसरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भले ही सुनने में कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आपकी अपनी एबिलिटीज़ की नॉलेज और खुशियों का रीज़न सिर्फ आप ही होने चाहिए, ना कि दूसरों की झूठी बातें। कभी कभी दूसरों के कुछ कॉम्प्लीमेंट्स या रिवॉर्ड्स आपको बेटर फील करा सकते हैं, लेकिन आखिर में अपनी खुशियाँ और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर से ही आना चाहिए। आप कौन हैं ये बात दूसरे लोगों को ना बताने दें और ना ही उन्हें खुद को नीचा दिखाने दें और ना ही अपने मन में अपनी बिलीव्स के ऊपर कोई डाउट होने दें। गाइज, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं तो आपको भरोसा करना होगा कि आपके लिए गए डिसीजंस सही हैं, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे नफरत करते हैं तो उन्हें उनकी प्रॉब्लम के साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा ही लोगों की वजह से अपने मन को बदलते रहते हैं या फिर अपने फैसलों के ऊपर फिर से सोचने लगते हैं तो ऐसे में लोगों को लगने लगता है कि आप में सेल्फ एस्टीम की काफ़ी कमी है। सो एक बार जब आपको अपने भरोसे के लायक चीज़ें मिल जाएंगी, फिर नेगेटिव लोगों के थॉट्स को आप अपने ऊपर हावी होने देने से बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, खुद के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। हम लोग अक्सर अपने साथ वो बिहेव करते हैं जिसे हम अपने करीबी लोगों के साथ करने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने आखिरी बार कब अपने किसी फ्रेंड का मजाक उड़ाया था और उसे ये कहा था कि वो तो किसी काम का नहीं है, या फिर आपने उसको उसके सपने पूरे करने से रोका था? शायद नहीं, बल्कि आपने तो उसकी हिम्मत ही बढ़ाई होगी। सो रिस्पेक्ट के बारे में आप जो भी सोचते हैं बस उसे ही अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए। फिर चाहे आप कितना ही बुरा क्यों ना फील कर रहे हों, लेकिन फिर भी अपनी इंसल्ट ना करें और ना ही खुद को हर्ट करें, क्योंकि इस तरह तो ये आपको अपने बारे में और भी बुरा फील करवाने वाला लगने लगता है। पॉइंट नंबर 8, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों का, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बल्कि दुनिया में मौजूद हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करते हुए शुरुआत करनी होगी, तभी आप खुद को इज्जत दे पाएंगे। और जो लोग सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाते आए हैं, बेशक उस तरह के लोग सम्मान पाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन आपको दूसरे लोगों के साथ ठीक वैसा ही बिहेवियर रखना होगा जैसा आप अपने साथ में होते हुए देखना चाहते हैं। फिर चाहे आप अपने बॉस से बात कर रहे हों, किसी अजनबी से बात कर रहे हों या फिर किसी लोकल ग्रोसरी स्टोर में मिले हुए किसी पर्सन से बात कर रहे हों, दूसरों को इज्जत देना हमारी आदत होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, अपनी इंसल्ट ना होने दें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला इंसान ही कभी किसी को भी अपने साथ गलत ढंग से ट्रीट नहीं करने दे सकता और खुद को नेगेटिव और इंसल्ट करने वाले लोगों के साथ जुड़ने से भी बचाता है। ये एक बहुत ही जाहिर सी बात नजर आ सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले इंसान को अच्छी तरीके से नहीं जानते या फिर उस बात को नहीं जानते तो सामने वाले इंसान को नाराज नहीं करना चाहते और कई बार खुद के साथ में कुछ भी अच्छा होने के लायक ना समझने की वजह से अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो आप उससे देते हैं, तब आपको अपने लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जरूर लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 10, पावरफुल इमोशंस को फेस कीजिए। कभी कभी किसी सिचुएशन में गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर
अक्सर ही आप छोटी छोटी बातों पर अपना कंट्रोल खुद पर से खो देते हैं, तो ये आपकी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ फेस करने में मुश्किल हो सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो अपने माइंड और इमोशंस को शांत करने के लिए एक वॉक पर निकल सकते हैं, और जब भी आप शांत फील करने लगें तो फिर से उस सिचुएशन में वापस लौट आएं और अब उसे मैच्योरिटी के साथ डील करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ में आने वाली मुश्किलों को एग्रेशन के साथ संभालने के बजाय एक शांत मन से संभालने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल फील करने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही आपको आपकी डेली सिचुएशंस का सामना करने में हेल्प करती है, जो आगे जाकर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाती है। तो आगे से जब भी आपको लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है तो खुद को वहाँ से हटा लें, इससे आप किसी दूसरी तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो से आपने कुछ यूज़फुल ज़रूर सीखा होगा। वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।